नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सुधीर एंड मैं आपके मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये जो सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है। ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है कि ये एक सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप से ये बिलोंग करता है सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट। दोस्तों ये जो सेपोडोक्सिम क्या होता है एंड उसका यूजेस डोजेस वर्क साइड इफेक्ट इंप्लीकेशन के बारे में आज के वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। दोस्तों इसको यूजेस के बारे में समझते हैं, यानी कि हम इसको कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों पहला होता है कि इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से हमारा बॉडी में कहाँ पर भी हमारा सिम्टम और उसका जो इफेक्ट दिखाई देता है तो उसको बोला जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स में होता है तो उसको बोला जाता है निमोनिया। आप निमोनिया केस में भी इसको यूज कर सकते हैं। थ्रोट में दिखाई देता है थ्रोट इन्फेक्शन, वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर नोज में दिखाई देता है बैक्टीरियल का इन्फेक्शन तो इसको बोला जाता है सिनस इन्फेक्शन, जिसको बोला जाता है आप वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है आपको, अगर यूरिनरी ट्रैक में बैक्टीरिया का प्रेजेंस दिखाई देता है तो आप यूज कर सकते हैं ये जो दवाई को। और हमारा बॉडी में स्किन में भी अगर कहाँ पे कट लग जाता है और वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, स्किन में अगर इन्फेक्शन दिखाई देता है तो आप यूज कर सकते हैं ये सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट को। दोस्तों इन सारे केसेस में उसका यूजेस किया जाता है सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट। चलिए उसका डोजेस के बारे में समझते हैं। दोस्तों उसका डोजेस होता है एक एडल्ट पर्सन के लिए दिन में दो बार। दोस्तों ये जो 200 mg मौजूद होता है कहीं कहीं बार 500 mg में मौजूद होता है, तो दिन में दो बार उसका डोजेस होता है। और चिल्ड्रन के लिए वो सिरप प्रीफर कर सकते हैं और 100 mg का भी प्रीफर कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ। दोस्तों ये क्या कैसे काम करता है? दोस्तों ये जो सेपोडोक्सिम प्रोक्साइल टैबलेट होता है ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, यानी कि बोथ बैक्टीरिया के लिए ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक होता है। जो क्या करता है कि हम अगर इसको इंटेक करते हैं, ये हमारा जो सेल होता है बैक्टीरिया का सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है और सेल कवरिंग को डिक्रीज करता है। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का है उसका सेल उसका जिंदगी होता है, तो अगर सेल डैमेज हो जाएगा तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, यानी कि जो एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया को किल करता है। और इन्हीं तरह से हमारा बॉडी में जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा होगा दुष्प्रभाव और जो सिम्टम को कंट्रोल करता है, ठीक करता है और हमें जो इन्फेक्शन से मुक्त दिलाता है। दोस्तों इन तरह से ये हमारा बॉडी में काम करता है। दोस्तों उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि दोस्तों ज़्यादातर दवाई में साइड इफेक्ट दिखाई देता है। मानते हैं कि हर एक व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, बट दिखाई देने से क्या क्या हो सकता है? दोस्तों नाउजिया हो सकता है आपको, और उसके बाद वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस होने का भी संभावना होता है। दोस्तों इन सारे कुछ कमों से साइड इफेक्ट नज़र आ सकता है। दोस्तों ये साइड इफेक्ट होता है कुछ समय के बाद डिसअपीयर हो जाता है, और मान के चलो ये साइड इफेक्ट परसिस्ट होता है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। दोस्तों उसके बाद प्रिकॉशन की बात करें, हर एक दवाई में सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों उसकी प्रिकॉशन में दिखाई देता है कि कोई भी ड्रग आप पहले से ले रहे हैं और कोई भी ड्रग से आपको एलर्जी है तो आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। सेकंड में होता है कोई भी प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी, दवाई लेने से पहले डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। कोई भी किडनी लिवर या हार्ट पेशेंट होती हैं तो दवाई लेने से पहले आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और तीसरा होता है दोस्तों एंड लास्ट जो होता है, कोई भी व्यक्ति जो दवाई ले रहे हैं उसी दौरान अल्कोहल की इंटेक ना करें और साथ ही साथ ड्राइविंग भी ना करें। दोस्तों एक स्पेशल प्रिकॉशन होता है, कोई भी दवाई अपनी मनमर्जी से यूज ना करें, कोई भी दवाई यूज करने से पहले आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों हमारा वीडियो का एक ही मतलब होता है कि आपको मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। हम कहीं से भी कैसे भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं कि हमारा वीडियो को देख के आप मेडिसिन का इंटेक करें। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे जय महाकाल।